आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुनर्जन्म नहीं हो सकता और पुनर्जन्म के सब दावे झूठे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आत्मा नहीं होती और मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है। अगर आपने हमारी यह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज हम साबित करेंगे कि पुनर्जन्म नहीं हो सकता। जो भी पुनर्जन्म के दावे किए जाते हैं वो सब झूठ है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ है और उनको पिछले जन्म की सारी बातें याद है। पुनर्जन्म को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग धारणा है। आज हम बताएंगे कि पुनर्जन्म के सब दावे झूठे क्यों हैं, क्यों पुनर्जन्म संभव नहीं हो सकता, पुनर्जन्म के बारे में विज्ञान क्या सोचता है। हम जो भी दावा करते हैं उसके पीछे हमारी एक लंबी रिसर्च होती है। हमारे दावे के पीछे 100% सही प्रूफ्स, फैक्ट्स और लॉजिक होते हैं जिन्हें आप भी नकार नहीं सकते। आपके मन में जितने भी सवाल हैं और संदेह हैं यह वीडियो देखने के बाद सब दूर हो जाएंगे। पर इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें और हमें ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। पुनर्जन्म का मतलब ये है कि मान लो मेरा नाम दीप्ति है और मैं 28 साल की हूँ और मैंने MSc कर रखी है। मैं हिंदी इंग्लिश अच्छी तरह से जानती हूँ और किसी वजह से मेरी मौत हो जाती है और इसके कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद मेरा पुनर्जन्म होता है और मेरे अगले जन्म में मुझे अपने पिछले जन्म की सब बातें याद आ जाती हैं। फिर मैं दावा करती हूँ कि यह मेरा पुनर्जन्म है और मैं अपने पिछले जन्म की सब बातें बताने लगती हूँ, जैसे पिछले जन्म में मेरा नाम क्या था, मेरे माता पिता का क्या नाम था और हम कितने भाई बहन थे, मेरी मौत कैसे हुई इत्यादि। फिर उसके बाद यह बात पूरे शहर और फिर पूरे आसपास के एरिया में फैल जाती है। लगभग सभी पुनर्जन्म की स्टोरीज में ऐसा ही होता है। जब कोई बच्चा पुनर्जन्म का दावा करता है तो उसकी उम्र लगभग 5 से 10 साल की होती है और हम लोग बिना सोचे समझे इन सब बातों पर विश्वास कर लेते हैं। हम उस बच्चे से कोई ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं करते। अब हम आपको समझाएंगे कि ये सब दावे क्यों झूठे हैं। सबसे बड़ा झूठ तो यह होता है कि मुझे अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है, क्योंकि अगर मुझे अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद आ गया है तो इसका मतलब यह है अगर मैंने MSc की थी तो मुझे अगले जन्म में भी MSc की पूरी जानकारी होगी और मेरा IQ भी एक MSc के स्टूडेंट वाला ही होगा। मुझे फिर से स्कूल जाकर दोबारा पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर मुझे पिछले जन्म में मैथ और इंग्लिश की अच्छी नॉलेज थी तो अगले जन्म में बचपन से ही मुझे इसके बारे में पता होगा। मेरा बिहेवियर एक बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक मैच्योर इंसान की तरह होगा। मेरा इंटरेस्ट भी बड़ों की तरह होगा। मुझे बच्चों वाले कोई भी खेल पसंद नहीं होंगे। पर क्या ऐसा कभी वाकई में हुआ है या ऐसा हो सकता है? क्या कोई 5 साल का बच्चा स्कूल में अचानक से बोले, मैडम मैं MSc पास हूँ और आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही ऐसा कभी हो सकता है। जितने भी लोगों ने पुनर्जन्म का दावा किया है उन्होंने बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई है, जैसे उनके पिछले जन्म का नाम क्या था, माँ बाप का नाम और गाँव का नाम और उनकी मौत कैसे हुई, बस यही सब। दूसरी बात सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली जो हमें लगी वो ये है कि जितने भी पुनर्जन्म के दावे किए गए हैं वो ज़्यादातर सिर्फ उसके आसपास के गाँव में हुए हैं। ऐसा मैंने कोई केस नहीं सुना कि कोई साउथ इंडियन मरने के बाद किसी UP या बिहार के गांव में जन्म लिया हो, या कोई नेपाली ने हरियाणा या पंजाब में जन्म लिया हो, या कोई अमेरिकन पाकिस्तान में जन्म लिया हो, या कोई मुस्लिम ने हिंदू परिवार में जन्म लिया हो। इससे यह साबित होता है कि अक्सर हम जो आसपास की बातें सुनते हैं वो बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। कुछ पुनर्जन्म के केस में यह भी सामने आया है कि कोई माँ बाप किसी लालच में यह दावा कर देती है कि उनके बच्चे का पुनर्जन्म हुआ है। बाद में ऐसे कई दावे झूठे भी निकले हैं जिनमें पुनर्जन्म का दावा करने वाला अपने दादा दादी या चाचा चाची का नाम तक नहीं बता पाया। पर कुछ पुनर्जन्म के केस में वो माँ बाप ज़्यादा सवाल जवाब किए बिना ही ममता मोह के कारण यह मान लेते हैं कि वो उनका ही बेटा था। धर्म के अनुसार हिंदी धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि आत्मा होती है जो कभी नष्ट नहीं होती। एक इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा पुनः जन्म लेती है और यह भी बताया गया है कि एक जीव की आत्मा दूसरे जीव में भी जा सकती है। पुनर्जन्म के सबसे ज्यादा दावे भी सिर्फ हिंदू धर्म में ही किए जाते हैं। पर क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? जब हमने इसकी गहरी जाँच की तो पाया गया कि यह सब मुमकिन नहीं है। यदि एक जीव की आत्मा किसी दूसरे जीव में जा सकती है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक इंसान मरने के बाद जानवर या पेड़ पौधा भी बन सकता है। इसका मतलब सभी जीवों की आत्मा एक ही है। पर क्या किसी इंसान ने आज तक कहा है कि वह पिछले जन्म में कोई पक्षी या जानवर था? ऐसा कभी नहीं हुआ। क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म में कहा गया है कि पुनर्जन्म नहीं होता। जो लोग मर जाते हैं उन्हें दफनाया जाता है और उनके बारे में कहा जाता है
कि एक दिन जजमेंट डे आएगा यानी कयामत आएगी और सब मुर्दे जिंदा होंगे। उसके बाद सभी लोगों को उनके कर्मों के अनुसार सजा मिलेगी या वे जन्नत में जाएंगे। यानी इन धर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म नहीं हो सकता और यही बात इन धर्मों के लोग मानते हैं। फिर भी अमेरिका और यूरोप में कुछ पुनर्जन्म के दावे किए जाते हैं। ये दावे किसी पॉलिटिशियन, एक्टर या साइंटिस्ट के बारे में किए गए हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, जैसे माइकल जैक्सन, जॉर्ज बुश इत्यादि। ये सब दावे बेसलेस थे। ये दावे किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं किए जिसका पुनर्जन्म हुआ हो, बल्कि दूसरे लोगों के द्वारा किए गए हैं सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए। मुस्लिम लोगों का कुरान में अटूट विश्वास है। वो कोई भी दावा ऐसे ही नहीं करते जो कुरान के खिलाफ हो। वैसे भी मुस्लिम धर्म के लोग धर्म के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, इसलिए वो ऐसे दावे नहीं करते। जब हमने यह जानने की कोशिश की कि हिंदू धर्म में ही पुनर्जन्म के दावे क्यों ज्यादा होते हैं, तो इसका कारण हमें यह मिला कि हिंदू धर्म की किताबों में पुनर्जन्म के दावों की भरमार है। जैसे भगवान राम और कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और हिंदू धर्म के लोग बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं और रिश्तों को बहुत ही ज्यादा अहमियत देते हैं। ज्यादा इमोशन होने की वजह से वो इन दावों में बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था कि आत्मा नहीं होती। अगर आपने यह वीडियो देखी है तो आप समझ सकते हैं, जब आत्मा ही नहीं होती तो पुनर्जन्म का कोई सवाल ही नहीं रह जाता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान आत्मा के पुनर्जन्म के सब दावों को नहीं मानता। हमारी याददाश्त हमारी आत्मा में नहीं होती, यह हमारे दिमाग में सेव होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे सब कुछ पता नहीं होता, जैसे वह कौन है, माँ बाप क्या होते हैं, उसने कहाँ जन्म लिया है। उसे कोई भाषा भी नहीं आती, उसे सब सीखना पड़ता है। उसका दिमाग एक खाली किताब की तरह होता है। यदि याददाश्त हमारी आत्मा में होती तो कोई भी इंसान किसी हादसे की वजह से अपनी याददाश्त नहीं खोता। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी याददाश्त को पूरी तरह से खो देते हैं। चोट से आत्मा का कोई नुकसान नहीं होता, फिर भी लोग अपनी याददाश्त क्यों खो देते हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हमारे मोबाइल की चिप होती है। मोबाइल का सारा डाटा चिप में सेव होता है। यदि चिप को कोई नुकसान पहुंचता है तो सारा डाटा खत्म हो जाता है। जब इंसान मर जाता है तो उसको जला या दफना दिया जाता है, फिर उसे अगले जन्म में कुछ कैसे याद आ सकता है। अगर ऐसा होता तो कोई भी इंसान अपनी याददाश्त नहीं खोता। मैं दावा करती हूँ कि एक भी पुनर्जन्म के केस में सीबीआई या कुछ समझदार लोगों की टीम से जांच करा लो और सिर्फ 20-30 सवाल पूछ लो जो कि सिर्फ वही इंसान बता सकता है जिसका असलियत में पुनर्जन्म हुआ है, सब दावे झूठ निकलेंगे। असल में हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा अज्ञानता है। जैसे हमें बेवकूफ बनाया जाता है कि साईं बाबा शिव के अवतार है, जबकि किसी भी हिंदू धर्म के ग्रंथ में ऐसा नहीं बताया गया कि शिव कलयुग में भी अवतार लेंगे, वो भी किसी मुस्लिम के घर पर। हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। हमारी इसी अज्ञानता का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। अगर आप इन सब दावों को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब दावे झूठे हैं, उनका असलियत से कोई लेने देना नहीं है। हमने आपको धर्म और विज्ञान के सभी तर्कों से समझाया है कि पुनर्जन्म नहीं हो सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।